बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाजरीन, कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह सब लोग ठीक ठाक होंगे, कैरियर से होंगे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मजे का केक, बहुत ही यम्मी केक। मैं बना रही हूँ ऑरेंज केक। तो ऑरेंज केक के लिए हमें क्या चीज चाहिए? सबसे पहले ऑरेंज पील, इसको मैंने मैश कर लिया है, कद्दूकस कर लिया है पीसीज में, तो हम ये यूज करेंगे। बहुत ही मजे का बनता है, बहुत ही डिलीशियस डिफरेंट सा केक। और ये चार एग्स का व्हाइट पार्ट है, ये मैंने अलग कर लिया है। और ये योक है, ये सर्दी है चार, तो इनको मैंने अलग कर लिया है। एक कप कुकिंग ऑयल है, एक कप मैदा है, और एक कप ही पिसी हुई चीनी है, और एक चम्मच आएगा बेकिंग सोडा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं व्हाइट एग को जो है बीटर पे डाल के अच्छे से बीट करूंगी कि डबल हो जाए, मुकम्मल झाग बन जाए। जितना ज्यादा हम बीट करेंगे झाग बनेगा, उतना ही ज्यादा हमारा केक जो है स्पंची बनेगा, सॉफ्ट बनेगा। ये मैंने बीटर में डाल लिया है, ये मेरी असल में फूड फैक्ट्री है, तो इसका बीटर यू है, इस तरह से है। तो मैं इसमें, ये चॉपर नहीं है, कुछ भी और नहीं है, ये बीटर ही है, लेकिन ये फूड फैक्ट्री का है इसलिए ये ऐसे है। आप लोग चॉपर वगैरह में डाल के मत कीजिएगा जी। तो देखिए बिल्कुल क्रीम की तरह हो गया है हमारा ये एग वाइट, बिल्कुल क्रीम की तरह बन गया। अब हम इसमें डालेंगे अपने जर्दी वाला पार्ट और फिर हम इसको करेंगे बीट। ये मैंने तकरीबन 7 से 8 मिनट इसको बीट किया था, तो ये बिल्कुल इस फॉर्म में आ गया है, क्रीम की शक्ल में जी। तो मैंने व्हाइट एग और जर्दी भी डाल ली है। अब हम इसमें शामिल करेंगे अपना बटर या ऑयल या पिघला हुआ घी, आप जो भी यूज करते हैं वो। अब फिर मैं इसको बीट करूंगी अच्छे से। साथ में हम ऐड कर देंगे अपनी शुगर भी पिसी हुई। ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए जी। अब हम इसमें अपने डाल देंगे पील। ये मैंने 4 ऑरेंजेस लिए थे, उनको पील किया है। मैदा मैंने छान लिया था। इसमें 1 चम्मच हम डालेंगे बेकिंग पाउडर का। अब हम बीटर इस्तेमाल नहीं करेंगे, अब हम इसको स्पैचुलर के मदद से अच्छे से हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। मैंने अपने अवन को प्री हीट होने के लिए रख दिया हुआ है, सॉरी अवन कह रही हूँ पतीले को। इस टाइम तो खैर मेरा वही अवन है मेरे पास, लेकिन मैं यूज नहीं कर रही क्योंकि मोस्टली लोगों के पास अवन नहीं होता, हर किसी के पास तो वन नहीं है ना, इसलिए मैं इसको पतीले में ही बनाऊंगी। इसको हल्के हाथ से बस इतना ही करना है कि ये मिक्स हो जाए बस, हमें इसे बहुत ज्यादा नहीं चम्मच इसको मतलब के मिक्स करना। तो ये हमारा बैटर तैयार है। अब मैं इसको पॉट में डालूंगी, मैंने थोड़ा सा ग्रीसी कर लिया था। अगर किसी के पास बटर पेपर नहीं भी है तो भी कोई टेंशन नहीं है, आप बस इसको ग्रीसी कर ले। पैन अपने पॉट को अच्छी तरह से अपने मोड को, और फिर इसमें थोड़ा सा मैदा जो है वो यूज स्प्रिंकल कर दें। अब इसको सिर्फ यहीं पे नहीं हम छोड़ेंगे, इसको हम सारे फैला लेंगे, इससे जो हमारा केक है वो नीचे नहीं लगेगा। और
मम्मी जी से केक का टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। देखिए कैसा जबरदस्त सेट हो गया है। अब हम इसमें सारा अपना बैटर जो है वो डाल देंगे। और पहले से प्री हीट हुआ पतीला है मेरा बहुत ज्यादा, अब मैं उसमें इसमें डाल दूंगी रखूंगी। जी हमारा पतीला देखिए किस कदर गर्म हो गया है। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप कोई सी भी प्लेट ऐसे कटोरी की प्लेट ऐसे इस पे उल्टी रखेंगे तो भी ये स्टैंड का काम देगा। अब देखिए मैंने बिल्कुल इक्वल कर लिया था, अब मैं इसको रख दूंगी। शुरू में 10 मिनट में करूंगी थोड़ी सी हीट ज्यादा, 10 नहीं 5 मिनट सिर्फ, क्योंकि पतीला पहले ही बहुत ज्यादा हमारा गर्म है। तो अब फिर इसको इतनी भी यानी कि नहीं करनी हमने तेज, हाई टू मीडियम हमने करनी है फ्लेम। तो 5 मिनट के बाद हम इसको स्लो कर देंगे, तो फिर 25 मिनट के बाद हम मिलते हैं। ये तो नाजरीन हमारा केक रेडी है जबरदस्त का, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए छुरी बिल्कुल खाली आ रही है, तो ये सेट हो गया है। अब थोड़ा सा ठंडा हम करेंगे इसको, फिर हम निकालेंगे बाहर। तो फिर हम ठंडा करने के बाद इसको हम क्रीम से करेंगे। जी तो हमारा केक जो है अच्छे से ठंडा हो गया है, मैंने इसे अच्छे से चील कर लिया था। तो अब क्रीम जो है ये मैंने एक क्रीम का पैक लिया और इसको खूब अच्छे से ठंडा कर लिया कि हल्की हल्की जमने लग गई, फिर मैंने इसको फेंक लिया है। ये मैंने खाली पैक आपको दिखाने के लिए रखा था। तो क्रीम हमारी तैयार हो गई हुई है, अब हम इसमें केक को मैंने अच्छे से कर लिया था सेट, अब इसमें हम डालेंगे ऑरेंज जूस। मैंने इसमें चीनी वगैरह बिल्कुल भी नहीं शामिल की ओरिजिनल, क्योंकि केक में भी चीनी तो है फिर क्रीम में भी है, तो बहुत ज्यादा मीठा भी अच्छा नहीं लगता। तो अब हम इसके ऊपर लगाएंगे क्रीम। क्रीम बहुत अच्छी से सेट हो गई है। मुझे बहुत ज्यादा क्रीम नहीं लगानी क्योंकि घर में इतना पसंद नहीं करते। खुद घर में बनाने का ये फायदा है कि बंदा अपनी पसंद के हिसाब से हर चीज की कमी बेशी कर लेता है। जी तो ये हो गया सेट। जी तो अब इस पे मैं रखूंगी दूसरा पीस, इसके ऊपर भी मैं जूस डाल दूंगी। मैंने ये दो केक बनाए थे, एक प्लेन और एक ये क्रीम वाला। प्लेन बहुत मजे का लगता है, चाय के साथ यूज करें या वैसे आज बंदा यूज कर लेता है नाश्ते में। जी तो केक फाइनल हो गया है। जी तो केक हमारा डन है। डेकोरेशन आप अपनी पसंद के हिसाब से जिस तरह मर्जी करें। अब मैं थोड़ी सी प्लेट साफ कर लूं। फिर इसको सर्व करेंगे। जितना केक ज्यादा चिल होगा उतना ही ज्यादा टेस्टी बनेगा,
बहुत खूबसूरत है, मैं खुद बहुत खुश हो रही हूँ आप लोगों के साथ अपनी रेसिपी शेयर करके। बहुत प्यारा केक बना है, तो आप लोगों से दरखास्त है कि आप लोग मेरी रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नई रेसिपी तक अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगेबान, अपना ख्याल रखिएगा।